हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे इको 16, जो आपका आखिरी इको था उसके सॉल्यूशन की। इसमें आपका टॉपिक कवर किया गया था मॉडर्न फिजिक्स। पेपर काफ़ी इजी था, आई होप आपने इसको इजीली अटेम्प्ट किया होगा और आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे बन रहे होंगे। इको के थ्रू जो सीएलसी का मकसद है वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, और आई थिंक जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया उससे आपको एक बार एक क्विक रिविजन जरूर मिल गया होगा। आने वाली टेस्ट सीरीज जो डीसीएम टेस्ट सीरीज है उसमें आप इस लेवल को और ऊपर लेके जाए। शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन ए मेटेलिक सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड, देखो यहाँ पे एक वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5 V0। सेम सर्फेस को 3 लैम्डा से इल्यूमिनेट करते हैं तो V0 इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, तो वर्क फंक्शन कितना होगा मेटेलिक सरफेस का? देखो हमें पता है कि HC/λ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि 5 V0 दिया हुआ। पहले केस में तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरे केस में आपने इसको बोला कि 3 λ से हम इलिमिनेट कर रहे हैं तो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बताओ आंसर किस फॉर्म में चाहिए, लेमडा के फॉर्म में, है ना, वर्क फंक्शन। तो इसको V0 को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो ऐसा करो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर दो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 SC/3 λ माइनस ऑफ SC/λ, ये आ जाएगा 5 वर्क फंक्शन माइनस 1 वर्क फंक्शन। 5 से 5 ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 वर्क फंक्शन बराबर 2 HC/3 λ। इसका मतलब आ जाएगा HC/6 λ। मेरा पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है R1, जिसका रेडियो एक्टिविटी T1 टाइम पे R1 है, T2 टाइम पे R2 है। तो देखो हमें पता है रेडियो एक्टिविटी जो होती है लैम्डा इंटू एन होती है ना, तो R1 जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू N1। R2 क्या है, लैम्डा इंटू N2। इसने पूछा है कितने न्यूक्लियस इस दौरान डीके हुए T2 माइनस T1 टाइम में, है ना। ये T बराबर 0 पर अगर लिखते तो R0 लिखते अपन, फिर T बराबर T1 पे ये और T2 पे ये। तो देखो ये है एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहले N1 थे बाद में N2 ही रह गए, तो न्यूक्लियस जो डीके हुए आप कैसे निकालोगे, N1 माइनस N2 निकालना है तो क्या करना है, R1 अपॉन लैम्डा माइनस R2 अपॉन लैम्डा। तो R1 माइनस R2, 1 अपॉन लैम्डा को अलग कर लो। 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है बेटा, R1 माइनस R2, है ना। अब T हाफ क्या होता है, ln 2/λ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा बराबर T/ln 2। तो ln 2 तो चलो इसमें फॉर्मूला में आएगा, लेकिन अब से प्रोपोर्शनलिटी पूछिए, प्रोपोर्शनलिटी क्या जाएगा, R1 माइनस R2 इंटू टी। कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई न्यूक्लियस जो है वो 5 हाफ लाइफ तक डीके नहीं हुआ, तो सेटी हाफ लाइफ में उसके डीके होने की या उसके बचे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो किसी भी इंस्टेंट पे किसी न्यूक्लियस डीके होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हर वक्त आधी होती है, है ना। जैसे मान लो 5 हाफ लाइफ तक वो बचा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि छठे में उसके बचने के चांस ज्यादा है, 50-50% चांस है छठी हाफ लाइफ के दौरान वो डीके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इवन यही उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान भी थी, मतलब कोई न्यूक्लियस कब डीके होगा ये पता नहीं है, लेकिन वो कभी भी डीके हो भी सकता है, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस के डीके होने या ना डीके होने की प्रोबेबिलिटी केवल 1/2 होती है, मतलब आधे आधे चांस होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1/2। फिर उसका आता है फोर्थ। फोर्थ में बात करते हैं, तो फोर्थ में आपको यहां पर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल दिया हुआ है जिसमें मीन लाइफ इतना है, है ना। तो ये बोल रहे हैं टाइम इंटरवल्स पे 1/4 मटेरियल बचेगा। 1/4 मटेरियल बचना मतलब कितना होता है बेटा, 1/2 की पावर 2, मतलब कितना, 2 हाफ लाइफ, ठीक है। अब 2 हाफ लाइफ कैसे निकालोगे आप, इसकी मीन लाइफ जो है वो आपको दिया हुआ है 2 ln 2/λ net, ऐसे निकालेंगे अपन। अब लैम्डा नेट कैसे निकालोगे आप, देखो लैम्डा डीके कांस्टेंट जो होता है वो होता है λ1 + λ2। कैसे निकालोगे इसको, ln 2/T हाफ कितना है, 1620, ये कितना हो जाएगा, ln 2/T हाफ 405, है ना। ये अच्छा, ये इसकी मीन लाइफ दी हुई है, ओके ओके, ये जो लैम्डा ये है मीन लाइफ है, तो 1/1620 प्लस 1/405, एलसीएम आएगा 1620
एक प्लस चार यानी कि पांच, 16, 20, तो ये कितना आ जाएगा 3, 2, 4 लैम्डा आ जाएगा आपके पास 1/3, 2, 4, तो लैम्डा नेट आ गया। अब इसको तो आप यहां लिखोगे तो क्या जाएगा ln 2, ठीक है। ऐसी दो हाफ लाइफ चाहिए ना मुझे, तो एक हाफ लाइफ इतनी होती है ln 2 1/λ net कितना हो जाएगा 3, 2, 4, तो इसका डबल करो 6, 2, 8, 6, 48। 648 को आप ln 2 यानी कि 0.693 से ऑलमोस्ट 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स जो आपका ऑप्शन बनेगा वो 449 बनेगा, फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अगला आता है फिफ्थ। फिफ्थ में बोला है कि न्यूक्लियर फिशन जो है वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है, क्यों? क्योंकि फिशन में आप दो न्यूक्लियस को मर्ज कर रहे हो, दो न्यूक्लियस जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इनिशियल एनर्जी उनको देनी पड़ेगी ताकि वो रिपल्जन के बावजूद ऐसे मिक्स हो जाए, है ना। तो वो इनिशियल एनर्जी कहां से मिलती है? टेम्परेचर से। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन कि जब तक वो बहुत तेजी से चलते नहीं है तब तक वो एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते। अगला आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में जो रेडियो एक्टिव डीके है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि dN/dt जो है वो टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है, तो आपको बताना है dN/dt का टाइम के साथ वेरिएशन। dN/dt को हम बोलते हैं एक्टिविटी जो कि टाइम के साथ इस तरह का वेरिएशन फॉलो करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ओके बेटा, सेवन्थ में बात करते हैं। सेवन्थ में बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तो देखो m मास का पार्टिकल दो हिस्सों में टूटेगा तो उनके मोमेंटम तो इक्वल होंगे ना, और जब मोमेंटम इक्वल होंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो p के इनवर्स में होता है, तो p2/p1, p2 और p1 दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा 1:1। मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, स्पीड जरूर अलग अलग होगी बट मोमेंटम सेम होंगे। एट्थ में आते हैं। एट्थ में आपको बोला है कि दो रेडियो एक्टिव मिक्सचर हैं जिनमें A1 A2 एक्टिविटी है और इनकी हाफ लाइफ दिया हुआ है, इनमें A1 का 40 ग्राम और A2 का 60 ग्राम है, कितने टाइम बाद इनका ये एक जैसा इनका नंबर हो जाएगा, तो नंबर को आपको एक जैसा करना है ना। ये A1 देखो एक्टिविटी नहीं, ये A1 इनके नाम है बस, है ना, तो एक्टिविटी आपको नंबर सेम करने है ना, तो N1 और N2 को इक्वल करना है, ठीक है। तो N1 है ना, अब इसमें आपको देखो ऐसे अपन हिट एंड ट्रायल से करते हैं कि एक हाफ लाइफ इसकी 20 सेकंड और इसकी 10 सेकंड, तो मान लो ये 40 ग्राम वाले का है ना t=0, फिर अपन लेते हैं 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में इसकी तो कितनी होगी आधी, जबकि उसकी कितनी हो जाएगी 160 से पहले 80 और फिर 40, क्योंकि उसकी दो हाफ लाइफ पूरी हो चुकी है, फिर 40 सेकंड जब टाइम होगा तब इसकी और आधी होगी 10, इसकी कितनी होगी 20 और 10, तो टाइम कितना लगा 40 सेकंड। ऐसे हीट एंड ट्रायल से करोगे बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मूला में कैलकुलेशन में मतलब जो इजीली करो। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका होता है कि किसमें एनर्जी रिलीज होगी, है ना। हमेशा याद रखोगे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तब पॉसिबल होती है जब उसमें एनर्जी रिलीज हो, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बने ना उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हाई होना चाहिए। यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई किसकी है सबसे ज्यादा, वाई की, तो इसका मतलब अगर मान लो वाई दो हिस्सों में टूटता है वो तो वैसे गलत हो गया कि यहां तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है ना, तो ये तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है। डब्ल्यू जो है वो एक्स और जेड बनाएगा, एक्स बनाए तब तक तो ठीक है लेकिन जेड की तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे ही कम है ना, ये गलत हो गया। ये बोल रहे हैं डब्ल्यू टू वाई में टूटेगा, पॉसिबल है डब्ल्यू टू वाई में टूट सकता है क्योंकि वाई सबसे ज्यादा स्टेबल वही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक्स दो हिस्सों में टूट रहा है वाई और जेड, तो एक्स जो है वो वाई तो ठीक है बनाएगा लेकिन जेड में दिक्कत है वापस, जेड की एनर्जी कम है पर न्यूक्लियन वाली, तो इसका अंदर स्टेबल कौन सी है थर्ड, बाकी आप डेटा से भी चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है टेंथ। टेंथ में आपको रेडियो स्टेशन से ट्रांसमीटर इतनी पावर की वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी बतानी है। देखो पावर क्या होता है n/THc/λ, ठीक है, तो n/T है ना क्या हो जाएगा p λ/hc, तो n/T कितना हो जाएगा, पावर दिया है 10^4 है ना, 10 किलोवाट है ना, इसलिए लैम्डा कितना है 300,
एच कितना होता है 6.6 × 10⁻³⁴ और सी 3 × 10⁸ कितना हो जाएगा बेटा ये देखो 10⁻² ये तो कट जाएगा आपके पास आएगा 16.62 तीन से तीन उड़ा दो 6 और 8 तो −2 पावर बचेगी ना ऊपर मतलब 6 तो चलो प्लस में है इधर 8 कम कर दो तो माइनस प्लस की 26 पावर ठीक है 26 और 6 = 31 तो ऐसा करो इसको 5 ऐड कर लो 10/6.2 रख लेते हैं और 10⁵ जोड़ दो 31 तो 1.5 × 10⁻³ 10 का क्या आ जाएगा 2 कोई कंफ्यूजन इसमें 11th की बात करते हैं 11th में बोला हुआ है कि हीलियम एटम जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम का फोटोन एमिट करता है तो फोटोन के कारण इसको कितनी एनर्जी मिलेगी देखो मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है ना जैसे मान लो एक फोटोन यहाँ से निकला तो फोटोन का मोमेंटम और हीलियम एटम का मोमेंटम सेम होगा ये बात तो समझ में आ रही है ना अब हमें पता है किसी भी एटम के लिए एनर्जी क्या होता है p²/2m ठीक है अब हीलियम का मोमेंटम लिखना है यहाँ पे ना लेकिन हीलियम का मोमेंटम तो फोटोन के बराबर हो फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालोगे आप फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा p बराबर फोटोन के लिए आपको एनर्जी वेवलेंथ दे रखे ना तो e बराबर होता है p × c तो e हो जाएगा hc/λ बराबर p × c से ये काटो p बराबर क्या हो जाएगा h/λ तो यहाँ पे आ जाएगा h/λ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.62 × 10⁻³⁴ लेमडा कितना है 10⁻¹⁻ 6.62 × 10⁻²³ इसको यहाँ पुट कर दो डेटा को तो 6.62 का स्क्वायर 10⁻²³ का −46 2 हीलियम हीलियम का कितना होता है 4 × 1.6 × 10⁻²⁷ ठीक है तो कितना आ जाएगा बेटा ये 6.62 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 7 मान लो 7 का होता है 49 इसको 45 अप्रोक्स आप मान लो डिवाइड बाय 2 × 2 = 1.6 अप्रोक्स ये अब देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास −46 और 27 तो कितना हो जाएगा 46 का 36 और 26 तो −19 बचेगी है ना अब 1.6 × 10⁻¹⁹ से इसको डिवाइड करोगे ना ये तो अपनी जूल में आ रही है ना एनर्जी तो इसको आप इस एनर्जी को अब देखो एक बार इसको सॉल्व करते हैं 8 और 1.6 यानी कि कितना हो जाएगा 12 और ऑलमोस्ट ये आएगा आपके पास कट के 4 point something कुछ आंसर तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻¹⁹ जूल अप्रोक्स डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है इसको तो ये कटेगा आपके पास ये 4/1.6 ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास बनेगा तो आपका देखो मैंने कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन करी तो आप एग्जैक्ट जब करोगे ना थोड़ा सा तो अपना ऑप्शन जो नियर वाला है वो कितना है 2.05 तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप यहाँ पे ईजी कर सकते हो है ना उसमें कोई इशू नहीं है ओके बेटा इसके बाद आया अपना 12 में आपको एक एक्सरे का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है तो देखो हमें पता है कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही लैम्डा वन डिक्रीज होगा मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ होती है वो कम होती है तो लैम्डा वन हमें पता है कि कम है लैम्डा टू से इसका मतलब वी वन ज़्यादा है वी टू से बात समझ में आ रही है अब के अल्फा वेवलेंथ उसके लिए ज़्यादा होगी जिसके लिए एनर्जी कम होगी एनर्जी कम कब होगी जब जेड कम होगा तो जिसका जेड कम उसकी के अल्फा वेवलेंथ ज़्यादा होगी बात समझ में आ रही तो इसका मतलब जेड वन और जेड टू में बताओ कौन सा कम है भाई के अल्फा वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब जेड कम होना तो जेड वन कम होगा किससे जेड टू से बट वी वन ज़्यादा है तो वी वन ज़्यादा लेकिन जेड वन कम कौन सा ऑप्शन आएगा 12th का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है तो ध्यान रखना ये जो लैम्डा होता है ना कैरेक्टर कंटिन्यूस वाला वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के ओके बेटा कोई कंफ्यूजन इसमें अगला आता है 13 में यहां पे बोल रहे हैं एक ग्राफ आपको दिया हुआ है ठीक है तो सम ट्रांजिशन जो है वो
इसमें से ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ए का मतलब क्या है? इनफाइनाइट से वन, यानी कि लाइमन सीरीज की लास्ट वेवलेंथ है ना, तो ए हो जाएगा लाइमन की लास्ट। तो अपना एक तो ये तो गलत हो गए, लाइमन की लास्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? लाइमन का तो पता है बामर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बामर की थर्ड, तो ये अपना ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, क्योंकि यही बामर की थर्ड इसी में दिया हुआ है ना, देखो थर्ड स्पेक्ट्रल ऑफ बामर, ठीक है। तो ये सिंपल आपको क्रॉस चेक करना था 13 में, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 14 की बात करते हैं, 14 में यहाँ पे आपको बोला है कि अगर मान लो ई से 2e से e तक आता है तो कितनी एनर्जी आती है फोटोन में? 2e माइनस e बराबर एच सी बाई लैम्डा। इधर कितनी आ जाएगी? 4e बाई 3 माइनस e बराबर एच सी बाई लैम्डा डैश। तो कितना हो जाएगा? e अपॉन e बाई 3, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश बराबर क्या आएगा? 3 लैम्डा। मेरा फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ रहा है 14 में। ओके बेटा, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं 15th की। 15th में आपको बोला है कि एक लाइट जो है वो इतने एंगस्ट्रॉन्ग की और 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो इसमें वर्क फंक्शन है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। सबसे पहले तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, 12400 डिवाइड बाई 5000 कितना आएगा, है ना? ये आ जाएगा आपके पास 5 से 2, फिर 2 बचेगा तो 4, 24.8, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 4, 24 के बाद 4 बचा तो 8, ठीक है। और इसमें एक जीरो और हेड साथ में, तो यह आएगा 2.48 तो एनर्जी, उसमें से 1.9 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 0.58। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन 15 का, कोई कन्फ्यूजन? 16 में आपको यहाँ पे एक रेडिएशन दिया हुआ है और आपको एक सरफेस में बोला है कि ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखो, रेडिएशन प्रेशर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट 1 प्लस आर। इंटेंसिटी आप कैसे निकलो, लिखते हो बेटा पावर बाई एरिया सी 1 प्लस आर। ये फॉर्मूला से आपका ईजिली काम हो रहा है। पावर कितना दिया आपको? पावर दिया है 5 × 10⁻³। एरिया कितना दिया आपको? 1 mm², यानी कि 1 × 10⁻⁶। 3 × 10⁸, 1 plus r, यानी कि 1 plus 1, प्योरली रिफ्लेक्टिंग है ना, इसका मतलब r की वैल्यू 1। ये r क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशियंट। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 10⁻³। अभी पावर देख लो, -3, ये कितना हो जाएगा? +2, ऊपर जाके -5, तो 3.33 × 10⁻⁵ सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 16 का। ओके बेटा, आते हैं 17 पे। 17 में आपको बोला है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेवल जो है वो इस तरह से है कि ए बी सी इस तरह से एनर्जी जिनकी ये है, तो ई ए सबसे कम है। देखो यहाँ ध्यान रखना, ये वैल्यू वाइज तो ज़्यादा होती है लेकिन नेगेटिव होने की वजह से कम बोल रहे हैं। अब लेमडा वन लेमडा टू जो है वो सी टू बी, सी टू बी का कौन है? लेमडा वन। बी टू ए का कौन है? लेमडा टू। और डायरेक्ट कौन है सी से ए का? लेमडा थ्री। तो हमें पता है कि जो ये डिफरेंस है ना भाई, जो एनर्जी थ्री वाले की है वो 1 और 2 वाले के बराबर है ना, इसका मतलब 1/λ³, एस सी बाई लेमडा थ्री, ऐसे लिख सकते हो एस सी बाई लेमडा वन प्लस एस सी बाई लेमडा टू। सॉल्व करने पे लेमडा थ्री आएगा मेरे पास, तो 17 का आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कोई कन्फ्यूजन इसमें? 18 में बोल रहे हैं कि जब कोई हाइड्रोजन को आप एक्साइट करते हो तो क्या होता है? देखो, एक्साइट करने पे उसका लेवल इंक्रीज होता है। लेवल इंक्रीज होने का मतलब, जैसे यहाँ -13.6 है तो यहाँ क्या हो जाएगी? 10.2 कम कर दो, यानी कि 10.2 कम करोगे तो इसका मतलब 3.4 हो जाएगी। अब इस केस में देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखा जाए तो वैल्यू वाइज तो कम हो रही है, बट नेगेटिव में कम होने को बोलते हैं बढ़ना। तो पोटेंशियल भी बढ़ता है और काइनेटिक टोटल एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब सिस्टम अनस्टेबल होता है इससे, ठीक है। 18 का 19 की बात करते हैं। 19 में बोला है कि जो टाइम होता है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन आप कैसे निकालोगे? 2πr/v, 2πr बराबर r0n² / z, और ये होता है v नॉट z बाय n। तो फाइनली डिपेंडेंसी किस पर जाएगी? n की पावर 3 अपॉन z की पावर 2, कोई कंफ्यूजन इसमें? सेकंड ऑप्शन 19 का आ जाएगा।
उसका 20 में आपको बोला है कि इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वांटम नेचर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो क्वांटम नेचर को इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप एक कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड से ऊपर है उसका फोटोन डालते हो तो चाहे कितने ही कम फोटोन हो इजिली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड की बात हम तभी करते हैं जब हम क्वांटम नेचर को कंसिडर करें, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन फ्रिक्वेंसी, सही बात है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ फोटोन से फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, बट उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या फर्क पड़ेगा या काइनेटिक एनर्जी भी क्या फर्क पड़ेगा। क्वांटम नेचर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इवन वेन द मेटल सर्फेस इज फैंटली इल्यूमिनेटेड, मतलब अगर आप कम इंटेंसिटी भी डालते हो, सफिशियंट एनर्जी का फोटोन है लेकिन कम आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कम है, तो भी इल्यूमिनेट सरफेस से हाथों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से ट्रू है इसमें से, ए बी सी तीनों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है। 20 के बाद 21, ये बोल रहे हैं कि सेम मोमेंटम से तीन पार्टिकल निकले। सेम मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, पी इक्वल मतलब लैम्डा भी इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन। 22 में बोल रहे हैं कि एनर्जी अगर सेम है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है एच अपॉन पी, यानी कि एच अपॉन रूट टू के एम। एनर्जी सेम होने का मतलब आपको प्रोटॉन और अल्फा में अब मास का रेशियो लेना है, तो मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, क्या आ जाएगा 2s21। 22 का क्या आ जाएगा मेरे पास, 22 का आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, कोई कंफ्यूजन इसमें। उसके बाद आते हैं हम 23 पे। 23 में आपको बोला है कि 4 गैस हैं इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम टेम्परेचर पे, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है। देखो हमें पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है मॉलिक्यूल्स के केस में, रूट टू के एम। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, 3/2 kT, है ना, तो 3 kTm। ये K ध्यान रखना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। अब टेम्परेचर K तो सब सेम हो गया, M पे डिपेंडेंसी रूट में। अब जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, मास किसका सबसे ज्यादा है इसमें, ऑक्सीजन का, उससे कम तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, है ना। तो आपको तो बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखना है ना, बढ़ता ऑर्डर मतलब लास्ट वाला बढ़ना चाहिए, तो सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे एंड माना चाहिए, सबसे भारी ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन आ रहा है मेरा करेक्ट 23 में, कोई कंफ्यूजन इसमें। 24 में आपको बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर क्या होगा, है ना। तो देखो हमें पता है कि एम वी आर जो होता है वो एन एच अपॉन 2π होता है, ठीक है। अब इसमें एम वी जो है वो इतना आ गया, है ना, तो एम वी कितना आ जाएगा, एम वी होता है एच अपॉन लैम्डा। अब इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दिया, इसको एच अपॉन लैम्डा लिख दो, एच आर अपॉन लैम्डा इज एन लैम्डा अपॉन 2π, ठीक है, एन एच अपॉन 2π, सॉरी एच आता ना, एन एच अपॉन 2π, तो एच से एच खत्म हो जाएगा। तो अब यहां देखो आर की वैल्यू कितना दिया आपको, 15/π 10^-11। लैम्डा कितना दिया आपको, 10^-10। 2π इधर लेके चले जाओ ऊपर, तो इससे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, पाई से पाई खत्म, कितना आ जाएगा एन की वैल्यू, 30^-11, यानी कि एन बराबर 3। तो एन बराबर 3, 24 का क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ओके। 25 में आपको बोला है कि इनमें सेम पोटेंशियल से एक्सलरेट किया। देखो सेम पोटेंशियल से एक्सलरेट करने पे एच अपॉन पी, मोमेंटम को आप लिखोगे रूट टू के एम, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखते हो, रूट टू क्यू डेल्टा वी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये सबका सेम है तो इसका मतलब लैम्डा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मास। देखो डेल्टा वी सेम है ना, इसका मतलब क्यू और एम के मल्टीपल पे। अब क्यू और एम का मल्टीपल है ना, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा सबसे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे ज्यादा, ये तो समझ में आ गया। प्रोटॉन और अल्फा में कंपेयर करें तो प्रोटॉन और अल्फा में अल्फा के लिए मास और क्यू दोनों ही ज्यादा है, तो अल्फा के लिए तो सबसे कम हो जाएगा ना डेटा, तो अल्फा का सबसे कम, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, है ना, तो प्रोटॉन उसके बीच में कहीं आएगा। 25 का थर्ड ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला आता हमारा
26. तो ये सिंपल आपको रिलेशन बनाना, बस इसमें वैल्यू नहीं बतानी, खाली लेस देन ग्रेटर देन बताना, इसलिए कैलकुलेशन अवॉइड किया करो. 26 में क्या है कि आपको ये बोला है कि फोटोन की एनर्जी जो है वो और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी है. तो वेवलेंथ अगर ऐसे है तो आपको वेवलेंथ का रिलेशन बताना है क्या होगा. देखो फोटोन की एनर्जी कैसे लिखते हो आप, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू सी होता है, ठीक है. और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है. अब इसमें देखो इन दोनों की एनर्जी को सेम करना है, तो यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा ऑफ फोटोन, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इलेक्ट्रॉन स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आती है वो कौन सी आती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना. तो इसमें अब आप एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप निकालेंगे एच अपॉन रूट टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किसके बराबर लिख सकते हो, टू इंटू एच सी बाई लैम्डा फोटोन लिख सकते हो ना, ओके. और ये तो जाएगा एनर्जी और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हमें ये पता है कि जो लैम्डा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो डेटा आएगा इस केस में देखो इक्वल तो आएगा नहीं, है ना. एच सी बाई की अगर इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ से, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, रूट में एच, है ना, लैम्डा फोटोन टू सी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन इस केस में अब आप सॉल्व करोगे तो हमें पता है कि एच अपॉन टू सी इंटू एम इंटू ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना आएगा, 10^-34 में, तो ये होता है सी होता है 10^8, मास ऑफ ये होता है 10^-31. तो भी इसका मतलब डेटा काफी कम आ रहा है, डेटा काफी कम आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ काफी कम आएगी फोटोन से. तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ काफी कम है फोटोन से, मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहां बन जाएगा. बस ग्रेटर देन लेस देन ही बताना है 26 में, ओके बेटा. 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से एक चार्ज मूव करता है ना, और इसकी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, माइनस ई नोट आई के, टी बराबर जीरो पे ये एंटर करता है. तो आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नोट है, तो टी टाइम पे इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, है ना. तो सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपोजिट लगाया तो फोर्स तो सेम डायरेक्शन में लगेगा ना, तो उसकी टी टाइम बाद स्पीड क्या हो जाएगी, वी नोट प्लस ये स्पीड हो जाएगी. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच बराबर लैम्डा बराबर एच अपॉन पी मास इंटू वेलोसिटी, वी नॉट कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम वी नॉट 1+EET/mv0. अब ये क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट अपॉन दिस, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 27 का, कोई कंफ्यूजन इसमें. इसके बाद आते हैं हम 28 पे, 28 की बात करते हैं. तो 28 में आपको यहाँ पर एक मेटल सरफेस दिया हुआ है लैम्डा और लैम्डा बाई टू के एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से इसको इमिट इल्यूमिनेट किया हुआ है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इन सेकेंड केसेस 3 times, है ना. तो देखो यहाँ पे वापस इक्वेशन बनाएंगे, एस सी बाई लैम्डा बराबर वर्क फंक्शन प्लस की, यहाँ हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा बाई टू बराबर वर्क फंक्शन प्लस कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3 times ऑफ दिस. अब ये पूछ रहे हैं कि वर्क फंक्शन क्या है, लैम्डा की टर्म्स बताना है. तो ऐसा करो आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6SC/λ माइनस SC/λ 3 वर्क फंक्शन माइनस, सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3HC/λ माइनस 2SC/λ बराबर 3 times ऑफ वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन, और इधर आ जाएगा 0, ठीक है.
तो कितना हो जाएगा एच सी बाई टू लैम्डा, दिस इज वॉट वर्क फंक्शन, फोर्थ आंसर इसका बन जाएगा 28 का। कोई कन्फ्यूजन इसमें? इसका आंसर है 29 पे। 29 में देखो आपको यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कंसेप्ट पे देखो एच न्यू, अब यहाँ न्यू की बात कर ली, वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट, ये होता है ना आपका एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम। सेम कंसेप्ट पर अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ इन्होंने क्या करा है फ्रिक्वेंसी को आधा कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना हो गया यहाँ पर V नॉट बाई फोर। अब ये देखो कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसकी टर्म्स में पूछा, न्यू की टर्म्स में पूछा ना, तो ई में। अब देखो इक्वेशन 1, 2 में आपको सॉल्व करना है ना, तो आप ऐसा करो 2 को तो करो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसको उसमें से आप 1 को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये क्या जाएगा एच न्यू बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे एच न्यू को, ये हो जाएगा 4 वर्क फंक्शन माइनस, ये कट जाएगा पूरा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्क फंक्शन बराबर 2 एच न्यू। वर्क फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा 2/3 दिस, तो 2/3 मेरा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 29 का। कोई कन्फ्यूजन इसमें? फिर आता है 30 में देखो आपको यहाँ पे इनकी वेवलेंथ का रेशियो पूछा है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, तो यहाँ पे देखो ई ब्रोगली वेवलेंथ केवल इलेक्ट्रॉन की होती है, फोटोन की जो है वो क्या होती है वेवलेंथ होती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, इसका क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, पी क्या हो जाएगा रूट टू ई एम, और ये क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। मोमेंटम क्या होता है हमेशा याद करो, मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का सॉरी फोटोन का वो होता है ई बराबर पी सी, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा पी, पी ऊपर जाएगा ना, पी ऊपर आ गया तो उसकी जगह लिखो ई बाई सी, एस से एस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट ई अपॉन टू एम और सी बाहर आ जाएगा तो 1/C, तो ये आपका आंसर आएगा 1/C ई अपॉन टू एम, मेरा फर्स्ट ऑप्शन इसका 30 का बन रहा है। कोई कन्फ्यूजन इसमें? 30 का अपना आता है 31 में आपको एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको 2.28 इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, फोटोन की एनर्जी दी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेंज बतानी है ना, तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लें, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आएगा, अच्छा हमेशा याद रखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा एक मैक्सिमम आती है, उससे कम आ सकती है। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखूं तो ये आता है एच अपॉन रूट टू ई एम, अब ये काइनेटिक एनर्जी होती है ना रूट टू के एम, अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू उससे कम जरूर हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा, मतलब लैम्डा में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट फिक्स नहीं है, तो लैम्डा में अपर लिमिट फिक्स नहीं होना एक ही ऑप्शन है मेरे पास, कैलकुलेशन भी अवॉइड करो ना भाई, के की जो रेंज है वो है 0 से लेकर के मैक्स तक, तो लैम्डा की तो रेंज लैम्डा मिनिमम से लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगा ना फिर, तो ऐसा रेंज तो आपका 31 के सेकंड में आ रहा है, कैलकुलेशन अवॉइड करना है इसको, डायरेक्ट करना है ना। 32 में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एपी डिपेंडेंसी का जो ग्राफ होता है वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल 56 पे मैक्स होता है, 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके आते हैं 33 पे, 33 में आपको बोला है कि इस तरह की रिएक्शन के लिए आपको अल्फा बीटा गामा कौन सा स्टार्ट होगा, देखो कौन सा इमिट होंगे, जेड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है -1E0 इमिट हुआ होगा, -1E0 का मतलब क्या होता है बीटा, फिर यहाँ पे आपका H4 कम हो गया इसका मतलब कौन इमिट हुआ है अल्फा, ठीक है, फिर वापस आपका जो K है ना वो सेम है, जेड भी सेम है कि और ए भी सेम है, इसका मतलब फिर गामा, तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है 33 में। ओके 34 में बोल रहे हैं कि फोटो सेल जिस सोर्स से लाइट रिसीव कर रहा है उसको आपने डबल डिस्टेंस पे रख दिया, तो देखो इंटेंसिटी जो है वो 1/R² पे डिपेंड करता है, R डैश जो है वो डबल करने का मतलब है कि इंटेंसिटी कितनी कर दी आपने 1/4, इंटेंसिटी 1/4 का मतलब क्या है जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी 1/4 निकलेंगे क्योंकि फोटोन जो है वो 1/4 हो चुके हैं। ओके 35 में बात करते हैं लिथियम के लिए, आपने यहाँ पे एक तरंग दैर्ध्य
वेवलेंथ यूज करी इतनी, है ना। तो जो याद रखो, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। मतलब एच सी बाय लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा नॉट, मतलब लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। तो जो बराबर है वो कम है, वो वाली वेवलेंथ चल जाएगी। 35 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। उसके बाद हम बात करते हैं 36 की। 36 में आपको यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अपना 36 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 37 में देखो, आपको यहां पर एक एबीसी के लिए तीन लाइट आपने इस पे इंसिडेंट करवाई, 1.92, 2.0 और 5। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कौन सी इमिट करेगी, है ना। तो सबसे पहले इसकी आप एनर्जी निकालो, 12,400 अपॉन 400 ये, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3.41 से, ना इसे मान लो 40 से काटते तो कितना आता, 3.1 समथिंग कुछ, तो इस तरह का आ रहा है। तो इसमें कौन सी जो है वो इमिट करेगी, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कम होना चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। तो ए और बी दोनों के वर्क फंक्शन से ज्यादा ना, इसका मतलब 37 में ए और बी दोनों इमिट कर देंगे, ओके। इसके लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन चाहिए कम से कम, हमारा फोटोन आ रहा 3.1 समथिंग का, तो काम नहीं बनेगा, है ना। अगला आता है अपने पास 38 में बात करते तो लाइट फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है इतनी है। देखो वापस वही कंसेप्ट आ गया, एनर्जी वर्क फंक्शन बराबर के मैक्स। तो एनर्जी कितना है, एच इंटू टू वी नॉट, वर्क फंक्शन हाफ एम वी वन स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, अगर आप 5 वी नॉट कर देते हो, ये वी नॉट यहाँ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि V1 V2 का रेशियो बताना है, तो V1 V2 का रेशियो क्या आ जाएगा इस केस में, और यहां देखो एच न्यू नोट जो है ना फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है, तो एच वी नोट, और यहां भी लिखोगे एच वी नोट, तो ये कितना आ जाएगा इसमें सॉल्व करेंगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर आएगा आपके पास एच वी नोट, और यहां हाफ एम वी टू स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस ये 4 एच वी नोट। तो इससे वी वन वी टू का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2। 38 का फर्स्ट ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें। उसके बाद आता है 39 में आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस ए है जिसकी फाइनाइट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस फिशन इनटू टू न्यूक्लियस बी एंड सी इक्वल मास, बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज ए एंड सी अपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी। देखो ए जो है ना वो जा रहा है किसी मोमेंटम पी से, ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि दो बराबर हिस्सों में टूटता है बी और सी में, है ना। अब बी जो है वो ए की डायरेक्शन में ही चल रहा है ना, तो B तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, बट इसकी स्पीड कितनी है, और C उसके अपोजिट आता है ना, और B जो है C की स्पीड जो है वो B से आधी है ना। तो आपको ये बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप कैसे रिलेट करोगे। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मोमेंटम इक्वेशन इसकी स्पीड मान लेता हूं V रही होगी, तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी बराबर m बाय टू इंटू वी बी माइनस m बाय टू इंटू वी बी बाय टू, तो m से m तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा वी बी बाई फोर इज v, तो वी बी कितना हो जाएगा 4v। अब देखो यहाँ मास है आधा, स्पीड है 4 गुना, है ना, इसका मास है आधा, तो और स्पीड कितनी हो जाएगी इसमें,
2v, फिर भी 2v तो है सही ना। तो देखो इसका मोमेंटम कितना था, m इंटू वेलोसिटी है ना। अब इसमें मोमेंटम कितना है, m बाई 2 इंटू 4v, तो इसका मोमेंटम जो आएगा वो ट्वाइस ऑफ p आ जाएगा, किसका, b का। जबकि इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, m बाई 2 इंटू 2v, यानी कि इसका मोमेंटम आएगा सिंपल पहले जितना p। तो जिसका मोमेंटम डबल हुआ उसकी वेवलेंथ होगी आधी, तो b का आएगा लेमडा ए बाई 2 और c का आएगा लेमडा ए। तो 39 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन। इसका आता है 14, 40। 40 में देखो आपको यहाँ पे आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बताना है। पहली बात तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती, बढ़ती है ना, और जीरो से शुरू नहीं होगा, ये भी गलत है। एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद ही ग्राफ बढ़ना शुरू होता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 41 में आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच में स्लोप क्या होता है वो बताना है। देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को ई के बोल दिया, इसको लिख दो एच न्यू वर्क फंक्शन ई के। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, न्यू में ग्राफ बताना, तो स्लोप हो जाएगा एच, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, थर्ड ऑप्शन। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद आते हैं मन 42 पे। 42 में क्या आएगा, देखो आपको यहाँ पे फोटो करंट का एनोड पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो जिसमें करंट ज्यादा है ना उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ बी इंटेंसिटी ऑफ सी ज्यादा है और ए की इंटेंसिटी कम है, पहली बात तो ये। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है उसका फोटोन ज्यादा एनर्जी का है, तो सी का फोटोन ज्यादा एनर्जी का है, बी और ए का कम एनर्जी का है, या आपस में सेम एनर्जी का है। अब देख लो ए और बी में क्या है, रिप्रेजेंट ए और बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, नहीं ए और बी में तो सेम फ्रिक्वेंसी है, ये गलत हो गया। ए और बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, सही बात है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी ए और बी में, हाँ ये बात सही है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका बन जाएगा। ओके बच्चों बाकी भी आप पढ़ के चेक कर लें, वो गलत ही है ना। 43, 43 में क्या आएगा, 1 से 10 में जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, देखो 1 से 10 में जाना मतलब सिस्टम हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमेशा ध्यान रखना इससे सिस्टम अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। 43 का फर्स्ट ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन। 44 में बात करते हैं, तो 44 में इलेक्ट्रॉन में एक ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन लाइक एटम में। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है मतलब नॉर्मल हो रहा है, एक्साइट के बजाय डी एक्साइट हो रहा है, तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, टोटल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी देखो यहां ये वैल्यू वाइज तो बढ़ती है ना, लेकिन माइनस में बढ़ने को क्या बोलते हैं, कम होना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी वैल्यू वाइज बढ़ेगी, उसको बोलते हैं बढ़ना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी घटेगी। तो 44 का फर्स्ट ऑप्शन। 45 बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बट इसका साइन होता है नेगेटिव और ये होती है पॉजिटिव, तो रेशियो क्या आता है, -1 45 में। फिर उसका आता है 46। 46 में बात करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट में लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। अब यहां पे देखो जब अपन एम वी आर, एल बराबर एम वी आर की बात करते हैं, क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई है ना। तो याद रखना जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जितने बोर नंबर होता है ना उतनी वेवलेंथ उसमें बनती है। तो जैसे आप एक की बात करें तो एक में आप कैसे दिखाएंगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए, इस तरह से यहाँ पे एक वो इलेक्ट्रॉन और ये बाद में दूसरा इसका कर्व, इस तरह का कर्व बनता है। तो यहाँ पे एक वेवलेंथ जो है वो पूरी बोर ऑर्बिट होती है, एक वेवलेंथ पूरी बोर ऑर्बिट के इक्वल, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, है ना, ये होता है ना। तो अब इस केस में जो एक वेवलेंथ है यानी कि 2πr जो है वो होता है 1 लेमडा के बराबर, है ना, 1 पूरा लेमडा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि बोर वेवलेंथ जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर होता है। 46 में कोई कंफ्यूजन इसमें।
फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 47 में आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है एम मास वी वेलोसिटी से, जब कोई ये इस पर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई और टू ई बाई डी, यही होता है। तो डी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, 1/m पे। 47 का फर्स्ट ऑप्शन। 48 में ये बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में इतनी रेट से आपका फ्यूल खत्म हो रहा है तो कितनी किलोवाट में एनर्जी निकली। देखो 1 mg/s, हमें पता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है एक यूरेनियम के फ्यूजन से, यानी कि 235 mu अगर आप मास लॉस करवाओगे तब जाके 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी, है ना। तो एक मास से कितनी आएगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 235 mu, तो आपको दिया है 1 mg से कितनी आएगी, 235 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन mu इंटू 1 mg। अब आप इसको स्टैंडर्ड डेटा में कन्वर्ट करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या लिखोगे, 1.6 × 10⁻³ जूल में। 235 mu कितना होता है, 1 mu होता है 1.67 एटॉमिक मास, ठीक है, और 1 mg/10⁻³ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 11 तो आ ही रहा है साथ में, साथ में सॉल्व करोगे ना तो आपका ये बनेगा 9 के आसपास, और एक पावर और आप कम कर देना तो 13 × 3 = 16 ऊपर जाएगी, है ना। हाँ तो आपका ये बनेगा 9 × 10⁻½ के आसपास अपना ऑप्शन हो जाएगा। 48 का अपना आंसर आ जाएगा, सॉरी मिलीग्राम है ना, ओके यहाँ -6 आएगा, हाँ तो आपकी 8 पावर बन जाएगी, ठीक है। 48 का थर्ड ऑप्शन, सॉरी 48 का थर्ड नहीं, जस्ट ए मिनट, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट वन टाइम कैंसिल आउट, 200 235 कितना आ जाएगा, 19 इधर बचेगा, 19 और साथ ही 8 बचेगा प्लस में, तो लगभग ये आएगा 9 × 10⁻⁷ सेकेंड ऑप्शन आ गया, ओके 48 में से आ गया सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं अपन 49 की। 49 में बोल रहे हैं कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से अल्फा चाल से जा रहा है, तो अल्फा जो एक्स है उससे वाई निकला और अल्फा निकला, तो इसकी स्पीड अगर वी है, नहीं ये तो रेस्ट पे था ना, अल्फा अगर वी से जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, वी डैश, हमें पता है मोमेंटम इक्वेशन अगर लगाएंगे तो मास ऑफ वाई वी डैश बराबर मास ऑफ अल्फा इंटू वी, तो ये कितना हो जाएगा, 210 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 206, तो 206 वी डैश बराबर 4v, तो वी डैश कितना हो जाएगा 4v अपॉन 206 फर्स्ट ऑप्शन। इसका आता है 50 लास्ट क्वेश्चन। फिशन रिएक्शन में आपको इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तो टोटल कितनी एनर्जी फ्री होगी आपको ये बताना है। तो देखो 117 को तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8.5 से, 236 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 7.6 से, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आंसर होगा। डिफरेंस हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, पहली बार तो यूनिट चेक करके कर लेना, तो थर्ड ऑप्शन अपना लगभग बन जाएगा इसमें 50 का, ओके बेटा कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ये आपका सेक्शन ए कम्प्लीट होता है। तो बच्चों आते हैं हमारे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फोटोन की वेवलेंथ एनर्जी निकालनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, तो यह आएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। उसके बाद आपसे यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो निकला ना उसको आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रोक दिया। देखो ये सरफेस थी उससे इलेक्ट्रॉन निकला यू वेलोसिटी के साथ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इसको रोकने का काम करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई कब, जब वो 1 मीटर आगे आया, ये बात समझ में आ रही। इसका मतलब इसमें वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हम यूज करें तो v स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 0, है ना, u स्क्वायर 2, रिटार्डेशन है ना कितना है q e by m,
इंटू एस की वैल्यू 1 मीटर, तो इससे क्या आएगा आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर इक्वस टू क्यू इंटू ई, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ई, और ई की वैल्यू कितना है 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये तो जूल में आ रहा आंसर है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आई इसकी आई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 एनर्जी टोटल थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.2। अगला आता है सेकंड क्वेश्चन, नोट करें इसे। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक मेटल टारगेट में 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एनर्जी मैक्सिमम आप कैसे निकालते हो, जो फोटोन आ रहा है उसकी सारी एनर्जी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो वही मैक्सिमम एनर्जी वाली एक्सरे होगी, मतलब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको सारे के सारे किस में कन्वर्ट करवा दोगे, फोटोन में। तो इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये कितना होता है 12,400 अपॉन लैम्डा, है ना। तो इसमें आपको वेवलेंथ बताना है ना, तो मोस्ट एनर्जेटिक जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि 10 × 10⁻³। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 1200 × 10,000, कितना आएगा बेटा 0.124, ठीक है। और ये आपको नैनोमीटर में आ रहा है, आपको आंसर पूछा है एंगस्ट्रॉन्ग में, तो कितना आ जाएगा 1.24 एंगस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा कितना जाएगा 1.24 एंगस्ट्रॉन्ग, इसमें कोई कंफ्यूजन, नोट करें इसे। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे बोला है कि इस तरह की रिएक्शन में आपको कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फ्री हो रही है उसका एन बाई टेन आपको बताना है फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको ये बोल रहे हैं कि एक्स और वाई की जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी वो इतनी है, तो 8.5 इंटू कितना 117, टोटल कितना हो गया है 234, तो 234 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसके अलावा इसकी एनर्जी कितनी आपके पास 236 इंटू 7. कितना था बेटा 6, है ना। अब हमेशा रखना ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही एनर्जी आएगी जो आपकी फ्री हुई, तो इन दोनों एनर्जीज का ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी, और याद रखना हमेशा नेगेटिव होती है, और ये इनिशियल रिएक्टेंट की एनर्जी ये भी नेगेटिव होती है। अब इनिशियल नेगेटिव कम थी, बाद की नेगेटिव ज़्यादा, मतलब उतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसमें वैल्यूज को माइनस कर दो, ई रिएक्टेंट माइनस ई प्रोडक्ट। अब यहाँ डेटा आप विद साइन रखना, तो माइनस की वजह से प्लस आ जाएगा, तो फाइनली आपको सॉल्व करने पर जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 195.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ये तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो n बाई फोर कितना हो जाएगा, n बाई टेन कितना हो जाएगा 19.54। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एज सच। ओके बेटा, अब आते हैं हम आगे, तो 19.54 आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, इसमें आपको अल्फा की एनर्जी बतानी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कैसे बताओगे, टोटल जो एनर्जी निकली वो उसके मास रेशियो में उल्टा मास रेशियो में बांटना होता है, तो अल्फा की निकालनी है तो आपको जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसका मास यहाँ रखना पड़ेगा वाई, और ये क्या रहेगा वाई प्लस अल्फा। जैसे मान लो ये एक्स कोई न्यूक्लियस था, है ना, इससे एक तो वाई बन गया और एक अल्फा निकल गया, ये इधर गया वो उधर गया, है ना। तो इस प्रोसेस में जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि मास ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ वाई और ये मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो ये सिंपल सा आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाओगे तो ये कितना था 5.5, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसका अगर है 220
तो उसमें से 4 मास इधर गया, ये कितना हो जाएगा 216, तो 216 और ये कितना हो जाएगा 220। ओके, आप इसको अगर 4 से कैंसिल करोगे तो 5.5, ये कितना हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 55 टाइम्स और ये जाएगा 54 टाइम्स, तो ये 10 बार कटेगा, आपका आंसर कितना आएगा 5.4। तो 5.4 जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का। ओके बेटा, अब आते हैं 5 पे। 5 में आपको यहाँ पर एक वेवलेंथ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज उसकी वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो देखो 1/λ क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2². सबसे पहले लाइमन की फर्स्ट लाइन है ना, तो 1/λ1 इसको मान लेते हैं। लाइमन की फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, 2 से 1 में ट्रांजिशन, यानी कि 1/1² माइनस 1/2², तो ये कितना हो जाएगा 1/λ1 बराबर आर जेड स्क्वायर 3/4। अब ये बोल रहे बेटा यहाँ पे कि जो सेकेंड लाइन है बामर सीरीज की हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए उसके इक्वल है ना, तो हाइड्रोजन लाइक आयन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/λ2 आर जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2² माइनस 1/4². अब ये इसकी इक्वल है। अब देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि आर जेड स्क्वायर 3/4 और आर जेड स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 इधर और 3/4 ये सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कर दो, ये कट जाएगा, इसको जेड डैश बोल देते हैं ठीक है। इसका मतलब जेड डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जेड, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो हाइड्रोजन का जो जैसा एटम है उसका एटमिक नंबर आ जाएगा 2। ओके बेटा, फिफ्थ का आता है अगला 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 में आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है जो इतने रेडियस के फील्ड में मूव करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ जब कोई पार्टिकल मूव करता है ना तो हमें ये पता है कि उसकी रेडियस क्या होती है, mv/qb, तो इसका मोमेंटम mv कितना आ जाएगा qbr। अब इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, p मतलब mv, तो ये कितना हो जाएगा qbr। अब देखो h की वैल्यू आपको जो दी है ना वो लेना है, तो कितना दी हुआ 6.4 × 10⁻³⁴, Q कौन सा है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल है ना, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये इसका चार्ज हो गया। B कितना है 1/4 और R कितना है 0.80 × 10⁻², कितना हो जाएगा 2 बार कटेगा तो 2 बार ये कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 × 4 = 8, 10⁻³⁴ प्लस 19 प्लस 2 डिवाइड बाई 0.8 है ना, तो 0.8 से कटेगा 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10⁻³⁴ और ये कितना हो जाएगा 21, तो -13 बचेगा प्लस 1, 10⁻², क्या है बेटा ये मीटर, एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो कितना लिखोगे 10⁻², यानी कि 0.01 एंगस्ट्रॉम, ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें। अगला आता है 7th। 7th की बात करते हैं। 7th में आपको यहाँ पे एक लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है। तो देखो के मैक्स क्या होता है, के मैक्स होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन आप कैसे निकालोगे, एच न्यू माइनस आपका वर्क फंक्शन जो है वो 2 eV दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एच न्यू को मैं इसमें कन्वर्ट कर, देखो आपको आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो फोटोन की एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, तो एच की वैल्यू डालो सबसे पहले 6.4 × 10⁻³⁴, जो दिया है वो लेना बेटा, वेज 6 × 10⁻¹⁴, और ये तो जूल में आएगा, इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस इधर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व करोगे बेटा ये कितना आएगा, ये कटेगा आपके पास 4 बार। अब इसमें 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 2, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 माइनस 2, यानी कि आंसर कितना आया 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका 7th का आंसर हो गया। ओके बेटा, इसके बाद आते हैं अपन 8th पे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, नोट करें। 8th में आपको यहाँ पे 200 वाट का सोडियम लैंप दिया हुआ है और बल्ब दिया हुआ है, और इसकी वेवलेंथ आपको दी गई है, और ये बोल रहे हैं कि केवल 1/4 जो एनर्जी वो यूज़ करता है उसको वो कन्वर्ट करता है लाइट में। तो देखो, हमें पता है पावर जो आउटपुट है वो इनपुट पावर का कितना है, 25%, मतलब 1/4 है ना। अब इनपुट पावर आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड इंटू एक फोटोन की एनर्जी, ओके, डिवाइड बाई 4। अब इसमें सबसे पहले तो आपको इनपुट पावर कितना दिया, 200/4 है ना, तो यही जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, फोटोन में है ना। पावर आउटपुट जो है वो इतनी है ना, देखो पावर आउटपुट जो है वो ऐसे लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। ये कितना है, ये है इनपुट पावर का 1/4, ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन कितने आएंगे, तो ये क्या आएगा अपने पास सॉल्व करने पे, इनपुट पावर डिवाइड बाय 4 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच और सी, ये लैम्डा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इधर। इनपुट पावर कितना है 200, लैम्डा कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, देखो माइक्रोमीटर मतलब माइनस 6 मीटर, पॉइंट भी है ना, तो माइनस 7 पावर 4 एच 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, और कुछ डेटा आपको दिया है सॉल्व करने में जो काम आ रहा है वो, और सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके चलो अब आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो ये कितना रहेगा 50 से 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा 100। तो एक बार अपन पहले पावर को देख लेते हैं, 1/6.62 100, तो माइनस 5 पावर तो ऊपर बच जाएगी, नीचे कितनी बचेगी आपके पास पावर 26, ये हो जाएगा आपके पास 1/6.62 10 टू द पावर ये -26 है, ऊपर जाके +26 यानी कि 21 पावर बच जाएगी। तो अब आप इसको लिखोगे 1/1.50, रुको तो 1.50 इसको लेना, ये 10/6.62 है ना, तो 1.50 यहाँ 10 लिख लेना बेटा, तो 1.50 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, इधर 10 लिखोगे तो 10 करके इधर 20 पावर कर दो, तो 10 टू द पावर 20, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 20 पावर, तो आपका आंसर n कितना आ जाएगा, n आएगा 1.5। ओके तो 8th में आपका आंसर आ जाएगा 1.5, इसमें कोई कन्फ्यूजन। अगला आता है बच्चों यहाँ पर 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दो पार्टिकल जो हैं वो इस तरह से राइट एंगल पे मूव कर रहे हैं, इनके मान लो मोमेंटम है P1 और P2, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें जो कोलिजन हो रही हो परफेक्ट इनलास्टिक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ के मान लो कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, इसका मतलब पी फाइनल जो है वेक्टर फॉर्म में वो P1 + P2। अब देखो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसे आएगा, P1² + P2² यही होगा ना। अब हमें पता है कि जो लैम्डा होता है वो तो मोमेंटम के इन्वर्सली डिपेंड करता है ना, तो भाई लैम्डा जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो होता है H/P, तो P मतलब क्या हो जाएगा H/λ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा H/λ² प्लस H/λ² तो कितना हो जाएगा 1/λ बराबर 1/λ² प्लस 1/λ² की पावर कितनी आएगी 1/2। इसका मतलब यहाँ पे n कंपेयर करोगे तो कितना आएगा बेटा 0.5, तो ये 9th का आंसर हो जाएगा 0.5, इसमें कोई कन्फ्यूजन।
अगला आता है दसवां। दसवें में आपको यहां पर देखो क्या बताना है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर सीरीज की जो आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब ट्रांजिशन सबसे छोटा हो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आती है जब एनर्जी मिनिमम हो, है ना। तो इस केस में देखो लाइमन का मतलब क्या होता है, लाइमन की लॉन्गेस्ट का मतलब होता है 2 से 1 का ट्रांजिशन, और बामर की लॉन्गेस्ट का मतलब बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, 3 से 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। तो अब इसमें इसको अगर मैं लैम्डा 1 मानता हूं और इसको लैम्डा 2 मानता हूं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो पूछा है, तो हमें पता है कि 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस, ये क्या जाएगा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 36 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5/36 3/4 5/27। अब 27, अब देखो 5/n कंपेयर करेंगे तो n की जगह क्या लिखा हुआ है, 27, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 27। ओके बेटा, ये बन गया आपका आंसर। अगला आता है 11th। 11th में आपको बोले कि हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इतनी है, ये इलेक्ट्रॉन की ध्यान रखना कौन सी एनर्जी होती है बेटा, टोटल एनर्जी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 13.6, है ना, फिर उसके बाद एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होता है ना, जैसे जैसे एन बढ़ाओगे उसकी एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, तो ये 1.5 आया, Z की वैल्यू तो चलो 1 कर दो हाइड्रोजन, इसलिए तो N कितना हो जाएगा, इसमें N की वैल्यू आएगी 3 के आसपास, ये 9 बार कट जाएगा ऑलमोस्ट, तो 3 अगर यहाँ पे आ रहा है तो MVR, देखो एंगुलर मोमेंटम पूछा है ना, एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है MVR, क्या होता है बेटा NH अपॉन 2π, यही होता है। अब इसमें यहाँ पे N by 2 है ना, और h by pi की वैल्यू कितना लेनी है आपको, h by pi दिया है 2 × 10⁻³⁴, और n की जगह क्या रखना है आपको, n की जगह रखना है 3, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁻³⁴, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, n की जगह 11th में आ जाएगा 3, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला आता है बच्चों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में बोर मॉडल में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू डबल आयनाइज्ड हीलियम इज ई, तो ई बाई 10 कितना होगा, है ना, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो ई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिथियम में, है ना, ध्यान समझना, अब डबल आयनाइज्ड लिथियम यानी कि ये कितना हो गया अपने पास, जेड की वैल्यू 3, है ना, कहाँ से मूव करवाना है इसको, एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है, तो देखो 13.6 हमें पता है E कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, पहले इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 1 इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप 13.6 की वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 54 9 × 27 और 5 = 32 तो कितना हो जाएगा, 4 × 32 = 2 3 = 9 × 3 = 12 तो 122.4, तो ये तो ई आएगा, तो ई बाई 10 कितना हो जाएगा बेटा 12.24, ओके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 12 का। बच्चों अगला आता है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में आपको न्यूट्रॉन प्रोटोन के मास दिए हुए और ये जो है वो कंबाइन होते हैं हीलियम पार्टिकल बनाने के लिए, तो इसमें कितनी बाइंडिंग एनर्जी फ्री होगी आपको बताना है, कितनी एनर्जी फ्री होगी, है ना। तो देखो हमें पता है हीलियम का मतलब क्या होता है, 2He4, मतलब कि 4 2 तो प्रोटॉन काम आएंगे, तो मास डिफेक्ट निकालना है हमको, तो 2 प्रोटॉन सबसे पहले न्यूट्रॉन का मास माइनस 2 प्रोटॉन का मास माइनस 4.0015। इसको जब आप डेटा को सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास यहाँ पे
जो मास डिफेक्ट आएगा है ना इस डेटा को सॉल्व करने के बाद, वो मास डिफेक्ट कितना आएगा बेटा, वो आएगा 0.0305, ये मास डिफेक्ट आएगा है ना AMU में। फिर इसके बाद आपको एनर्जी रिलीज्ड पूछा है, तो कैसे बताओगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो 0.0305 इंटू 900 है ना, तो ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास 3.05 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा 45.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 27.45 ये आपका आंसर बन जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, तो इजीली बन गया आपका ये आंसर। इसके बाद आते हैं हम हमारे 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। तो देखो जब मास डिस्ट्रॉय होता है ना उसकी एनर्जी फ्री होती है, तो वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब मास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, तो कितना इसमें एनर्जी फ्री होगी, सिंपल सी बात है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मास दोनों का ही सेम दिया है तो 2 × 1.5 × 10⁻²⁷ इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो 3 × 10⁻²⁷ 9 × 10⁻¹⁶, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 × 27 × 10⁻¹ⁱ जूल। इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो 2.7 × 10⁻¹⁰ जूल, तो ये एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसमें एन की वैल्यू हो जाएगी 2.7, 14 का आंसर। ओके कोई कंफ्यूजन, तो ये 14 ओके हो गया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम हमारे 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है कि एक्स और वाई दो रेडियोएक्टिव है, इनकी इनिशियल नंबर सेम है ना, तो ये बोल रहे हैं कि 1/16 जो है सैंपल ऑफ एक्स एंड 1/256 ऑफ वाई 8 घंटे के बाद रहता है। तो देखो 1/16 का मतलब क्या है बेटा, 1/2 की पावर n है ना, और ये किसका मतलब क्या हुआ, 1/2 की n मतलब 4 है ना, और ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 8, मतलब जो 8 घंटे है वो x की तो 4 हाफ लाइफ के बराबर, मतलब 4 हाफ लाइफ ऑफ tx कितना है 8 घंटा, तो x की हाफ लाइफ कितनी हुई 2 घंटे, इसी तरह से 8 हाफ लाइफ जो होगी y की वो कितना है 8 घंटा, तो y की 1 हाफ लाइफ कितनी हुई 1 घंटा। तो इसने पूछा है कि आपको इनकी हाफ लाइफ के रेशियो बताना, तो tx by ty है ना, इजी क्वेश्चन है बेटा ये, तो 2:1 तो सिंपल 2:2। अब आपको 7/4 की वैल्यू बतानी है, ओके 7/4 × 2 है ना, कितना हो जाएगा बेटा 7/2 यानी कि 3.5, ओके तो आपका आंसर 2 नहीं बेटा, आपका आंसर है 7/4 की वैल्यू यानी कि 3.5, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो 15 का आंसर हो जाएगा 3.5। 16 की बात करते हैं, 16 में आपको बोला हुआ है कि एक रेडॉन एक न्यूक्लियस है वो पोलोनियम में कन्वर्ट होता है और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4 डेज आपको गिवन है ना, और पहले आपके इतने एटम दिए हुए, इतने एटम मतलब वो न्यूक्लियस से होता है, तो 12 दिन के बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, देखो 12 दिन का मतलब क्या होता है, 12 दिन और एक हाफ लाइफ कितना है 4, तो जो डेल्टा टी आपको दिया है 12 डेज वो हो जाएगा 4 × 3 मतलब कि 3 हाफ लाइफ के बराबर, 3 हाफ लाइफ के बाद कितना मटेरियल बचता है 2 की पावर n के हिसाब से देखें है ना, तो 3 हाफ लाइफ यानी कि n नॉट बाई 8 बचेगा, n नॉट कितना है 6.4 × 10⁻¹⁰ डिवाइड बाई 8 यानी कि 0.8 × 10⁻¹⁰ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 0.8, ये 16 का आंसर आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। उसका 17 की बात करते हैं, 17 में आपको बोला है कि अगर मान लो वॉल्यूम जो है वो a की पावर n पे डिपेंड करता तो n क्या आना चाहिए, देखो वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, 4/3πr³, और r क्या होता है r नॉट a की पावर 1/3 का क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4/3πr³³ a, यानी कि मैं लिख सकता हूँ v0 × a, तो a की कितनी पावर 1 पावर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, सिंपल था 17। उसके बाद आते हैं हम 18 पे,
18 में आपको यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की हाफ लाइफ 8 दिया हुआ है, तो एक्टिविटी ऑफ मटेरियल विल डिक्रीज टू अबाउट 1/8, है ना। तो देखो 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/2 की पावर 3, मतलब कि 3 हाफ लाइफ। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 3 × t ½, 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपका ईयर्स में आंसर आ जाएगा 18 का 24। फिर उसके आते हैं अपन 19 पे। 19 में देखो आपको ये बोला हुआ है कि दो रेडियोएक्टिव मटेरियल उनके डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा और बी का लैम्डा है, इनिशियली इनके नंबर सेम है, है ना। फिर ये बोलते हैं कि कितने टाइम बाद ए का और बी के नंबर का रेशियो जो है वो 1/e आएगा। तो एन ए बाई एन बी क्या लिखोगे, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए इंटू टी, है ना, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी इंटू टी, ये काट दो। कितना लाना बेटा, 1/e, e की पावर माइनस 8 लैम्डा टी, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, कितना आ जाएगा, 1/e बराबर e की पावर 7 लैम्डा इंटू टी, मतलब 1/7 लैम्डा टी, मतलब टी बराबर 1/7 लैम्डा। कंपेयर करो तो n की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, 7 लिखा हुआ है, ओके। फिर उसका आता है 20। 20 में आपको ये बोला है कि जब किसी मेटल के रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट किया जाता है मेटलिक सरफेस पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना आता है। फिर जब आपने डबल वेवलेंथ कर दी, है ना, तो देखो हमें पता है ई बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ई होता है एच सी बाई लैम्डा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को अपन कैसे लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा नॉट, और ये क्या होता है, E into Vs। अब पहले वाले केस में आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रखा हुआ है लैम्डा के केस में वो कितना आ रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो जो होता है वो EVS होता है, तो यहां EVS की जगह आप लिख दो 4.8 EV, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अब इधर आपने डबल कर दिया तो HC by लैम्डा नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया इसका, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू बतानी है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 हो गया, आपने इसको डबल किया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम फर्स्ट में से इक्वेशन 1 ये और 2 ये, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, ऐसा करो 1 में से माइनस कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 को माइनस कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3/2 एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा, 3 एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, और 3 से ये 4.8 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, एच सी बाई 2 लैम्डा, है ना, बराबर 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर 4 लैम्डा, तो मेरा n की वैल्यू क्या जाएगी, 4 इस केस में 20 में, ओके बेटा। तो ये आपका यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का जो सेकंड 16 पार्ट इको था वो खत्म होता है। आई होप आपने इस पेपर को एंजॉय किया होगा, ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।